किसी ने क्या खूब कहा है, जज्बात अलग है पर बात तो एक है। मां कहूं या भगवान, बात तो एक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। आज की कहानी में हम देखेंगे कि भगवान की जगह अगर कोई ले सकता है तो वह कौन हो सकता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है त्याग, बलिदान और सहनशीलता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांझ कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जाने का सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा, समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था, वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक करके सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहां भी है उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, गॉड कुड नॉट बी एवरीव्हेयर एंड देयरफॉर बी मेड मदर्स। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने माए बनाई। दोस्तों, माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियां देती हैं, अपनी जरूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती हैं। यहां तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, इसीलिए तो कहते हैं कि दुनिया में माँ को ही भगवान कहा जा सकता है। इसी तरीके से अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा,
काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।